हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली लव रीडिंग। तो आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, देखेंगे लेट नाइट थॉट्स, चेक करेंगे कि पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं और देखेंगे कि नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस पार्टनर का। ओके, ओनली फ्राइडे को हम करते हैं लाइव सेशन जिसमें आपको आपकी पर्सनल रीडिंग मिल जाती है। और ध्यान में रखिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, ऑल साइन की रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो जितना आपके साथ मैच करेगा आपको उतना लेना है, बाकी को आपने लेट गो करना है। ओके, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। वाओ, लगता है कोई न्यू स्टार्ट होने वाला है आपका इस पार्टनर के साथ। थोड़े से और कार्ड्स को हम स्प्रेड आउट कर लें, देन हम क्लैरिफाई भी करेंगे टैरो से भी। शैडो मिररिंग एनर्जी है, टेलीपैथी, लगता है आप लोग बहुत सारे अपने पार्टनर के साथ कनेक्टेड हो, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ओप्स, सेक्रीफाइस, शैडो, हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस भी मुझे यहाँ दिख रहे हैं। ये आपके भी हो सकते हैं या आपके पार्टनर के भी हार्ट चक्रा मुझे ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं। यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपकी तरफ आते हुए मैं देख रही हूँ। डैवर एनर्जी, देखो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपको लेकर फील कर रहे हैं। सॉलिट्यूड, यूनिवर्स से कनेक्टेड है ये पर्सन बहुत ज़्यादा। नंबर 9, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 18, नंबर 12 कुछ रिलेट कर सकता है। कॉन्फ्लिक्ट, देखो आपको खोने का डर इस पार्टनर को बहुत ज़्यादा सता रहा है, बहुत ज़्यादा सता रहा है। कहीं ना कहीं ये पार्टनर बैडली मुझे मिस भी करते हुए दिख रहे हैं। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, आपके साथ कनेक्शन में आना चाह रहे हैं। हो सकता है ये पार्टनर आपसे दूरी पे हो, ये भी हो सकता है कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हो सकती हैं आप दोनों के दरमियान में, या बातचीत बंद है आप लोगों के दरमियान में, या लेस कम्युनिकेशन भी हो सकती है। ओके, बट मैं यहाँ देख रही हूँ कि ये पार्टनर आपसे न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, मुझे इसी तरह स्ट्रॉन्ग वाइब्स दिख रही हैं कि ये पार्टनर आपको कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। अट्रैक्शन है इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ मूवमेंट करना चाह रहे हैं, डिसीजन लेना चाह रहे हैं। हो सकता है इस पार्टनर के पास कुछ च्वाइसेस हो सकती हैं, या हो सकता है कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। बट राइट नाउ ऐसा दिख रहा है कि ये पार्टनर आपको चूज़ करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि च्वाइसेस तो मुझे दिख रही हैं, ऑप्शंस तो मुझे दिख रही हैं इस पार्टनर की लाइफ में, या तो थी या अभी भी हैं। बट कहीं ना कहीं ये पार्टनर आपको चूज़ करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। हार्ट चक्रा ब्लॉक मुझे दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे यही दिख रहे हैं यहाँ पे कि आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा ब्लॉक है। देखते हैं ब्लॉकेजेस क्या हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। ओके, हार्ट चक्रा क्यों ब्लॉक है इस पार्टनर का। 7 ऑफ वैंस ब्लॉकेजेस, देखो यहाँ पे मुझे जो 7 ऑफ वैंस मुझे ये बताता है, या तो आपने इस पार्टनर को ब्लॉक किया है, या इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया था। ओके, या कुछ ऐसी बातें थी जो आप लोगों को में क्लैरिटी नहीं आई, या ये पर्सन क्लैरिटी नहीं लेकर आए। ब्लॉकेजेस हार्ट चक्र में भी ब्लॉकेजेस हैं, बट इमोशंस रनिंग हाई इस पर्सन के। अगर तो इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया था और कम्युनिकेशन ही आप लोगों के दरमियान में रही है, जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन तक की, तो मुझे यहाँ यही दिख रहा है कि पर्सन अगर आप ब्लॉक हो तो अनब्लॉक करें, क्योंकि ये आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। देखो ये रिगार्डिंग मैरिज भी हो सकता है, प्रपोजल भी हो सकता है, या कोई फैमिली इश्यूज या कोई कास्ट रीजन इशू के बारे में भी हो सकता है ये पर्सन आपसे कोई बातचीत करें। दी हर्मिट की एनर्जी है, पार्टनर तो आइसोलेशन में मुझे दिख रहा है, खुश नहीं है आपके बगैर, तन्हा है एंड आपकी तरफ मूवमेंट करने चाह रहा है, आपको बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं। हेलमेट की एनर्जी है, विर्गो एनर्जी, हो सकता है आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। एंड किसी किसी के लिए तो मुझे दिख रहा है कि जैसे कोई सेलिब्रेशन, कोई गुड न्यूज़ ये पर्सन आपके साथ मुझे शेयर करते हुए मुझे दिख रहा है यहाँ पे, या कोई सेलिब्रेशन, या ये भी हो सकता है आप दोनों में से
किसी पर्सन की कोई मैरिज या फैमिली में कोई मैरिज है या कोई सेलिब्रेशन है जिसके बारे में शायद ये पर्सन आपको बताना चाह रहे हैं, हो सकता है इनकी फैमिली में से किसी की शादी हो, कोई सेलिब्रेशन मुझे दिख रही है। दी मून, देखो इल्यूजन्स में है अभी भी आपका पार्टनर, आपके साथ बिगनिंग तो करना चाह रहा है बट कहीं ना कहीं अभी भी इसको क्लैरिटी नहीं है। शायद इसको ये क्लैरिटी नहीं है कि आप इस पर्सन को चाहते हो, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन मुझे मैजिशियन की एनर्जी में दिख रहा है, मैनिफेस्टो कर रहा है रिलेशनशिप को लेकर, बट इल्यूजन्स हैं इस पर्सन को। जैसा माइंड इस पर्सन का मुझे बहुत ज़्यादा फोगी दिख रहा है, कुछ कन्फ्यूजन्स है, हो सकता है इस पर्सन को ये फेयर हो सकता है मैरिज को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर, बट कहीं ना कहीं इस पर्सन को कुछ कुछ क्लैरिटी चाहिए, या हो सकता है कोई कुछ चीज़ ये आपसे पूछ सकते हैं आने वाले टाइम में। अगर आपको इस पर्सन ने ब्लॉक किया तो अनब्लॉक करें, तो हो सकता है कुछ क्लैरिटी मांग सकते हैं, या ये भी हो सकता है ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके साथ दोबारा से रिकन्सिलेशन चाहते भी हो कि नहीं, ऐसी भी वाइज मुझे दिख रही है। 99 मुझे यहाँ दिख रहा है, 99 बहुत, 9 नंबर इज अ स्पिरिचुअल नंबर है बहुत ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि स्पिरिचुअली अवेकनिंग या तो आपका पार्टनर हुए हैं या आप हुए हैं, स्पिरिचुअली अवेकनिंग से जर्नी से आप लोग ज़रूर गुजरे हो, या आपका रिलेशनशिप जो है वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन की वजह से शायद आप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, क्योंकि यहाँ पे शैडो की है कि जैसे आप लोग एक दूसरे के साथ टेलीपैथी भी कनेक्टेड हो और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिरर करते हो। ओके ऐसी एनर्जी है ये। देखो कॉन्फ्लिक्ट, 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, कॉन्फ्लिक्ट है यस, और कहीं ना कहीं ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड दिख रहा है यूनिवर्स से, डिवाइन सिंह, जिस भी मजहब और धर्म से हो। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है इस पार्टनर के माइंड में, एंड अगेन यहाँ पे जो 3 टाइम 4 टाइम 9 नंबर्स मुझे यहाँ दिख रहा है, या तो आप 9 महीनों से ही एक दूसरे से सेपरेटेड हो, या मंथ ऑफ सितंबर कुछ आप लोगों से रिलेट कर सकता है। देखते हैं शेडो की एनर्जी क्या है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, देखो किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से ये ब्लॉकेजेस हैं, या थर्ड पार्टी है, बट क्या है ना ये पर्सन आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट देख रहा है, बहुत ही ज़्यादा मुझे ग्रो करता हुआ दिख रहा है आपका पार्टनर। वो आपको ऐसे देखते हैं कि जैसे आप बहुत ज़्यादा बनड हो, आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, और शायद आपने ग्रो किया भी है। ओके सेक्रीफाइस को देखते हैं, बट थर्ड पार्टी दिख रही है, देखिए यहाँ मुझे कास्ट रीजन एंड फैमिली इश्यूज थर्ड पार्टी दिखा रही है। ओके ये मुझे अनदर रिलेशनशिप नहीं दिख रहा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपके रिलेशनशिप में, या हो सकता है आप ये पर्सन से मैरिड हो, क्योंकि यहाँ पे सभी की रीडिंग हो रही है, ऑल साइन की हो रही है, तो जितनी मैसेजेस आपके साथ पिक होंगे आपको उतना ही लेना है, बाकी को लेट गो करना है। मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद कोई शादीशुदा है जिसने अपनी लाइफ, अपनी शादीशुदा जो पर्सन है, मैरिड जो पर्सन है, मुझे ऐसा भी दिख रहा कि शायद इन्होंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस भी किया है अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, या फैमिली के भी अगेंस्ट हो सकता है ये पर्सन गए हो। यस कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन, आपको छोड़ना तो नहीं चाहते, अगर किसी ना किसी के कोई केट को कोर्ट को कोर्ट के कोई केसेस हैं, या डिवोर्स तक बात आ चुकी है ड्यू टू फैमिली इश्यूज की वजह से, या कास्ट की वजह से, तो ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि आपको डिवोर्स नहीं देना चाहते, चाहे इस पर्सन ने या आप दोनों ने इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए होंगे, या बहुत सारी चीज़ों को आपने लेट गो भी किया होगा अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, बट मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन अब आपकी तरफ एक्शन ज़रूर लेंगे। 4 ऑफ पेंटिकल है, ये किसी भी कीमत में आपको छोड़ना नहीं चाहते, चाहे फैमिली है या चाहे जो भी आप लोगों के दरमियान में इश्यूज हैं। अगेन एस ऑफ वैंस, अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो ये पर्सन हो सकता है आपके साथ कम्युनिकेशन करें। ओके कम्युनिकेशन के मुझे स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं, या हो सकता है ये आने वाले 9 घंटे या आने वाले 9 दिनों में, हो सकता है ये पर्सन आपसे आपको अप्रोच करे, मुझे ऐसी दिख रहा है कि बातचीत हो सकती है आप दोनों के दरमियान। क्वीन ऑफ कप, यस ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं आपको लेके, एंड दी एम्परर की एनर्जी है यहाँ पे, तो देखें कॉन्फ्लिक्ट तो है इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन मुझे मेंटली डिस्टर्ब और परेशान दिख रहे हैं यहाँ पे।
बट बातचीत मुझे दिख रही है, आप लोगों की कम्युनिकेशन अगर ब्लॉक है तो अनब्लॉक नहीं, जिसके बहुत ज्यादा स्ट्रांग चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। देखो रीडिंग जितनी आपके साथ मैच करेगी आपको उतना ही लेना है, बाकी को आपको लेट गो करना है। विश फुलफिलमेंट के नीचे देखें बहुत ही खूबसूरत एनर्जी हमारे पास है, हार्मनी। किसी किसी के लिए हो सकता है मैरिज प्रपोजल आए, या हो सकता है री मैरिज के भी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। देखो हम यहाँ बात कर रहे थे स्पिरिचुअली, स्पिरिचुअली अवेकन के साथ आप लोगों की स्पिरिचुअल यूनियन भी दिख रही है, तो बहुत जल्दी मुझे दिख रहा है कि आप लोग एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट कर सकते हो। देखो ये आने वाले 6 दिन भी हो सकते हैं, तो जिस जिसका मैनिफेस्टेशन टेक्निक अगर आप लोग कर रहे हो तो उसको करते रहना, उसको छोड़ना ना। मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि आपकी विशेष जो है वो ग्रांटेड हो सकती हैं, अगर आप हार्मनी को लेके या रीमैरिज को लेके अगर आप कर रहे हो। ओके अभी तक चैनल पे इतना ही, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।